नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में शिशु मंदिर में भारतीय किसान संघ ने बैठक कर बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस करने की मांग सहित 6 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण की मांग की। मंगलवार के दोपहर के बाद भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा व संचालन चंद्र प्रकाश शर्मा ने किया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय महिला प्रमुख व अमरोहा जिला प्रभारी संगीता ठाकुर और प्रांतीय सदस्य प्रमुख व प्रांतीय कार्यालय मंत्री नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कहा गया कि जिला व ब्लॉक स्तर पर बैठक करके किसानों को जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उचित संख्या बुला के उचित स्थान पर ज्ञापन आदि के माध्यम से समाधान कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह, लाखन सिंह, डोरी सिंह, यशवीर सिंह, नीतीश चौहान, ओम चंद, आबिद अली, दीपक, गुरमीत सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ जो बैठक की जा रही है, क्या है पूरा? और यहाँ जो बैठक की जा रही है वो किसानों की सदस्यता और समस्या को लेकर ये बैठक की गई है कि जो समस्या किसानों को है उस समस्या को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ। और इसके लिए हमें सरकार से लड़ाई करनी पड़ी, धरना देना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, हम अपनी समस्याओं को सरकार से मनवाते रहेंगे। और जो भी किसानों की समस्या है, जैसे गौ के ऊपर समस्या है या बैल के ऊपर समस्या है या बिजली की समस्या, सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और किसान उस बिल को नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम इनकी समस्या सुनकर सरकार तक ये समस्या पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़े। प्रदेश सरकार दुर्घटना कानून को लेकर के मंथन कर रही है, इस पर कानून भी बना रही है, इसमें क्या आपका सुझाव है? ये तो अच्छी बात है कि दो अच्छे होने चाहिए और सरकार ने जो काम किया है ये मेरी नज़र में तो अच्छा है, बाकी सबकी राय अलग अलग होती है। ये सही है कि यहाँ दो बच्चों का कानून होना चाहिए, दो बच्चे सबसे अच्छे, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी और इधर उधर नहीं जाएंगे तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा। हम तय करेंगे, माँ बाप तय करेंगे कि उनका भविष्य कैसा होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनका भविष्य अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए मेरी नज़र से तो कानून ठीक है। अमरोहा के हसनपुर में करणपुर रोड पर महेंद्र सिंह प्रजापति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय महामंत्री बनाए जाने पर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मंगलवार के दोपहर को नगर की नवीन मंडी परिसर स्थित करणपुर रोड पर श्री गुरु कृपा इंडस्ट्रीज में प्रजापति समाज स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पहुंचे गजरौला निवासी महेंद्र सिंह प्रजापति को भाजपा द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग का क्षेत्रीय महामंत्री बनाए जाने पर समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं गुरु कृपा इंडस्ट्रीज के संचालक श्याम सिंह प्रजापति ने बताया कि हमारे समाज के महेंद्र सिंह प्रजापति को भाजपा के द्वारा एक अहम दिया गया है और वह समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसी क्रम में हम भी पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा रखते हैं। इस अवसर पर योगेंद्र सिंह प्रजापति, सुशील भगत जी, तीरथ सिंह प्रजापति, श्याम गोपाल प्रजापति, सोनिया प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति सहित बहुत से समाज के लोग मौजूद रहे। ये हमारे श्री महेंद्र सिंह प्रजापति हैं, जो इन्हें भाजपा का एक अहम पद दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे गुरु कृपा इंडस्ट्रीज पर स्वागत भव्य स्वागत किया गया था और ये हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रजापति जी हैं, जिससे हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और जो भी हमारे प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, हम उसी का ही साथ देने में विश्वास रखते हैं, बस यही हमारी मंशा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री बनाया है। इस नाते हसनपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के नाते यहाँ बुलाया है और स्वागत किया है, इसलिए मुझे यहाँ आना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2022 के लिए संगठन को मजबूती करना मेरी प्राथमिकता होगी, इसी पर मुझे काम करना है। अच्छा, बीते कुछ समय में भाजपा का विरोध किया गया, जगह जगह भाजपा के विरोध में बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, उसमें क्या कहते हैं? अपवाद हर जगह होता है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहीं कहीं बोर्ड लगा दिया, लेकिन वो लगा तो दिया लेकिन उसके बाद वो बोर्ड रुका नहीं, वही कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ऐसे बोर्ड लगाने वालों का विरोध किया और वहीं से उन्हीं के हाथों से वो बोर्ड उखड़े और भारतीय जनता पार्टी पुनः उसी गांव में, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गाँव में हैं और हमें आने वाले टाइम में भी वोट करेंगे और पहले भी हमें वोट किया।
अमरोहा के हसनपुर में पहले ही घनघोर वर्षा में नगर पालिका की पोल खुल चुकी है, जहां सीएससी में मरीजों का आना जाना भी प्रभावित हो चुका है। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर के बाद नगर में घनघोर वर्षा शुरू हो गई, जहां नगर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से लेकर सीएससी केंद्र तक भारी पानी भर गया, जिसके चलते सीएससी में मरीजों का आना भी प्रभावित हो गया। जहां भारी पानी भरे होने के कारण नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खुल चुकी है, वहीं सीएससी में आने वाले मरीजों को भारी संकटों का सामना भी करना पड़ रहा है। सफाई, नालों की सफाई नहीं कराई, अब थोड़ी सी बारिश हुई है, रास्ता इतना भर गया, पानी होगा सब में। मरीज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए मरीज जा रहे हैं, उनको जाने में भी आने जाने में दिक्कत आ रही है, सवारी है उन्हें भी दिक्कत है। इस समय शहर भर की गंदगी इस पानी में, और इसमें पूरे शहर की गंदगी, नाले जो गंदगी, इधर उधर के मतलब जो मच्छर